एटा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। थाना जैथरा पुलिस द्वारा बाइक सवार दंपत्ति के साथ हुई लूट सहित तीन घटनाओं का हुआ खुलासा। लूट की योजना बना रहे दो शातिर लुटेरे पुलिस मुठभेड़ के बाद घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल तथा अवैध असलाहा कारतूस सहित गिरफ्तार। लूटी हुई ज्वेलरी, मोबाइल तथा मोटरसाइकिल हुई बरामद। 16 अक्टूबर को वादी श्री शीनेश सिंह पुत्र बलवीर सिंह निवासी बड़ा खेड़ा थाना मलावन एटा द्वारा थाना जैथरा पर इस आशय की तहरीर दी गई कि 8 अक्टूबर को वह अपनी पत्नी व अपने साले की पत्नी को लेकर अपने गांव से अपने ससुराल ग्राम नगला बहादुर थाना जसरतपुर जा रहा था। सर्रा भट्टा के पास पहुंचते ही पीछे से एक मोटरसाइकिल सवार तीन अज्ञात व्यक्तियों ने वादी की पत्नी के हाथ से झपट्टा मारकर उसका पर्स छीन लिया, जिसमें सोनी चांदी के आभूषण, एक मोबाइल तथा नकदी थी। आपको बता दें, गिरफ्तार हुए अभियुक्तों के नाम सोनू उर्फ छोटा पुत्र धनपाल सिंह निवासी बरखेड़ा थाना कुरावली मैनपुरी तथा दूसरे गिरफ्तार अभियुक्त का नाम अरविंद पुत्र जगदीश निवासी बरखेड़ा थाना कुरावली मैनपुरी है। प्रयागस्पन न्यूज के लिए एटा से आमिर हयात की खास रिपोर्ट। ये स्वाट टीम और जैथरा पुलिस और कोतवाली देहात पुलिस के टीम द्वारा विगत पिछले दो हफ्तों के दौरान दो लूट घटना थाना जैथरा क्षेत्र में और सभी क्षेत्र में घटित हुई थी। तो एक गैंग को आज पकड़ा गया है और उसमें दो उसके अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। ये गैंग बरखेड़ा गांव पड़ता थाना कुरावली का, वहाँ का रहने वाला है और ये लूट करने के पश्चात जनपद मैनपुरी में प्रवेश कर जाते थे और इनको आज पकड़ा गया है, जिसमें तीन घटनाओं का नाम हुआ है। थाना सकीर क्षेत्र में 5 अक्टूबर को एक बाइक लूटी गई थी अंगतपुर मोड़ से और 8 अक्टूबर को सर्रा भट्टे के पास से एक दंपत्ति का बैग छीन करके ये गैंग भागा था, उनको पकड़ा गया है। कब्जे से लूटी हुई बाइक और जो दंपत्ति के जो जेवरात थे वो बरामद हुए हैं, साथ ही साथ इनसे अवैध तमंचा बरामद हुआ है। इसके अलावा इनके द्वारा एक थाना से पटियाली क्षेत्र में घटना की गई थी कासिमगंज जनपद में, वहाँ की भी घटना का जो माल बरामद हुआ है। ये 5 बदमाशों का एक गैंग है, जिसमें 2 गिरफ्तार कर लिया गया है, दोनों ही बरखेड़ा कुरावली रहने वाले हैं। इसके अलावा 3 अन्य भी हैं, वो भी जनपद मैनपुरी कुरावली क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनके गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। ये एक अंतर जनपदीय गैंग है और इसको हमारी टीम ने पकड़ा है और इसको हम प्रयास करेंगे इनका गैंग पंजीकरण हो, साथ ही इनका एड्रेस खुलवाया जाए, इसके बाद गैंगस्टर की कार्रवाई भी करेंगे।